लिए तो मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगी, फिर सारे जनपद को। भाई बेला सिंह जी ने कहा था कि कांग्रेस जीतेगी 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 और 3 बजे कांग्रेस के अध्यक्ष नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर विदिशा से आ रही है, जहां 13 वर्षों बाद गंजबा सौदा जनपद अध्यक्ष की सीट कांग्रेस के पाले पहुंची है। बता दें, भारी मशक्कत के बाद कांग्रेस का 13 साल पुराना बनवास खत्म हो गया है, जहां बीजेपी समर्थित सदस्य की संख्या 13 से 14 बताई जा रही थी, तो वहीं कांग्रेस समर्थित जनपद सदस्यों की संख्या 10 से 11 के बीच मानी जा रही थी। लेकिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष निशांक जैन एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रहलाद रघुवंशी के गठजोड़ के चलते 25 जनपद सदस्य वाले जनपद गंजबा सौदा के चुनाव में भाजपा को 12 वोट मिले एवं कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को 13 वोट प्राप्त हुए और कांग्रेस ने 1 वोट के साथ सफलता प्राप्त की। नगर में जनपद अध्यक्ष का चुनाव बड़ा रोचक नजर आया। भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा करते हुए गंजबा सौदा जनपद में अपना अध्यक्ष बनने का दावा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के मजबूत गठजोड़ के चलते सफलता हाथ नहीं लगी। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी श्रीमती नीतू देवेंद्र रघुवंशी 25 में से 13 वोट पाकर जनपद अध्यक्ष का चुनाव जीत गईं। वहीं अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने से भाजपा को मायूसी हाथ लगी। वहीं यातायात व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए SDOP मनोज मिश्रा के निर्देशन में गंजबा सौदा सहित आसपास के कई थानों का पुलिस बल मुस्तैद रहा। वहीं हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष निशांक जैन ने कहा, हमने और पूर्व जनपद अध्यक्ष भाई बेला सिंह जी ने कहा था कि कांग्रेस जीतेगी 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 और 3 बजे कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गंजबा सौदा जनपद पंचायत पर बैठेंगे। वे आज से साबित हुआ। निश्चित रूप से कमलनाथ जी का कुशल नेतृत्व, हमारे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद और पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह हमें उपलब्धि मिली है। जनता का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद और कांग्रेस जन आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी और जो भाजपा के राज में ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार है, हम उसको खत्म करेंगे और एक नई अच्छी शुरुआत करेंगे। तथा नव निर्वाचित जनपद अध्यक्ष श्रीमती नीतू रघुवंशी ने कहा, पहले तो मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगी, फिर सारे जनपदों को जिनने सहयोग किया है, जिस क्षेत्र से जीत कराई हो उनको, सारे कार्यकर्ता जिन्होंने मदद की है और मेरे जेठ पूर्व जनपद अध्यक्ष बहुत ज़्यादा उनका मेहनत रही है, उनके लिए धन्यवाद और सब लोगों ने जिनने सहयोग किया और जिला कांग्रेस अध्यक्ष। अध्यक्ष अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जनपद क्षेत्र के लिए? विदिशा गंजबा सौदा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज।